नमस्कार मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और फिर दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। सायांपुर में मेगा किसान मेले का हुआ आयोजन, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सिटी पार्क में कराया गया था मेला। मेले में सैकड़ों किसानों को 50 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए गए। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ट्वीट कर किया नमन, कहा आपके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। जलालाबाद के नगरिया बुजुर्ग गांव की महिला के साथ लाखों का फर्जीवाड़ा। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि चेक के माध्यम से उनके खाते से उड़ाए गए 7,70,000 रुपये। पुलिस दो लोगों से पूछताछ में जुटी। बसुलिया के महेंद्र कुमार दुबे किसानों को जैविक खेती के लिए कर रहे हैं प्रेरित। महेंद्र ने पत्नी की मदद से अपने ही खेत में उगाई जैविक फसलें और अब जैविक गुड़ से उत्पाद तैयार कर कई जिलों में कर रहे हैं सप्लाई। और जलालाबाद के रामपुर बैन के सियाराम ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लेखपाल की मिली भगत से ग्राम सभा की जमीन पर हो रहा कब्जा, नहीं की जा रही दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर ट्वीट कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महान संत हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के प्रबल प्रतीक है धर्म। संस्कृति और मानवता की रक्षा को समर्पित आपका संपूर्ण जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। सायांपुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 46 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से तमंचा कारतूस और नाजायज चाकू बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने 184 लीटर अवैध कच्ची शराब और 3 भट्टी भी बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने 24 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। सायांपुर में आज बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मेगा किसान मेले का आयोजन हुआ। किसान मेले में अलग अलग क्षेत्रों से बैंक के माध्यम से सैकड़ों किसानों को 50 करोड़ रुपए तक के लोन दिए गए। इस दौरान बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि बैंक सेवाएं अब ग्रास रूट तक पहुंचेंगी। मेगा किसान मेले का आयोजन सिटी पार्क में किया गया था। यहां अलग अलग सेक्टर के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह से लेकर किसानों के लिए मेले में ही कार लोन तक की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के जयदीप दत्ता राय पहुंचे। यहां उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि बैंक की एक एक सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाए, तभी बैंक का असली उद्देश्य पूरा हो पाएगा। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर आज कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी नमन किया है। कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिखों के 9वें गुरु हिंद की चादर श्रद्धे गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। जलालाबाद के नगरिया बुजुर्ग गांव की रहने वाली महिला ने बैंक खाते से 7,70,000 रुपये का फर्जीवाड़ा होने की शिकायत की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के ANM पद पर तैनात रही महिला उमा देवी ने शिकायत देते हुए बताया है कि तहसील लोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में उनका खाता है जिससे किसी ने चेक के माध्यम से 7,70,000 रुपये निकाल लिए हैं। वहीं जब इस बात की शिकायत बैंक के अधिकारियों से की गई तो किसी ने अधिकारी और कर्मचारी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। फिलहाल पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सिंधौली में आज आंखों की जांच के लिए एक शिविर का आयोजन हुआ। शिविर ग्राम प्रधान द्वारा अपने आवास पर लगवाया गया था। यहां मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच कर उन्हें चश्मा वितरित किया गया। साथ ही इस दौरान डायबिटीज के मरीजों की रियायती दरों पर जांच भी की गई। तो वहीं आंखों के परीक्षण के दौरान 150 मरीजों में से 80 मरीजों को मोतियाबिंद पाया गया। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों का अब निःशुल्क ऑपरेशन सीतापुर ले जाकर कराया जाएगा। समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के 132वें परिनिर्वाण
दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पंचशील वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कराया गया था। यह कार्यक्रम निगोही रोड स्थित अशोक विहार कॉलोनी में हुआ। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने 1848 में पहली कन्या पाठशाला स्थापित कर अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को देश की प्रथम शिक्षिका के रूप में सेवा करने का मौका दिया और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। जलालाबाद के रामपुर बैन गांव में रहने वाले सियाराम ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सियाराम का कहना है कि वो ग्राम सभा की जमीन पर अपना मकान का निर्माण करा रहा था, तभी हलके के लेखपाल ने आकर निर्माण कार्य रुकवा दिया, जबकि उनके पास में ही लेखपाल ने खुशीराम, संतराम और रामपाल को ग्राम सभा की जमीन पर मकान बनवाए हैं। सियाराम का यह भी कहना है कि ग्राम सभा की जमीन पर कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं और उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, जिसके चलते वो यहां अपना निर्माण करा रहे थे। फिलहाल सियाराम ने उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर अब कार्रवाई की मांग की है। सायाहपुर ट्रैफिक पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी के साथ साथ राहगीरों की मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें महानगर के खिरनी बाग चौराहे की हैं। यहां पर ट्रैफिक पुलिस का जवान ड्यूटी के दौरान एक वृद्ध महिला को हाथ पकड़कर सड़क पार करा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हर तरफ सायाहपुर ट्रैफिक पुलिस की सराहना हो रही है। सायापुर के वसूलिया गांव के रहने वाले किसान महेंद्र कुमार दुबे किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। महेंद्र कुमार दुबे अपनी पत्नी की मदद से अपने खेतों में जैविक खेती कर रहे हैं। महेंद्र कुमार का कहना है कि अगर आप गन्ने के साथ सहफसली करते हैं तो आपकी आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी। वहीं महेंद्र कुमार अपने खेत में उगाए हुए जैविक गन्ने से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिनको बेचने के लिए कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। महेंद्र का कहना है कि अगर आप गन्ना बेचने की बजाय गन्ने से गुड़ तैयार कर उसके उत्पादों को बेचें तो आय में कई गुना तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं महेंद्र का यह भी कहना है कि किसानों को अपनी फसल को सीधे न बेचकर उनके उत्पाद तैयार कर बाजारों में उतारने चाहिए, जिनसे बहुत बड़ा लाभ होगा। जलालाबाद पुलिस ने बीती रात रूपापुर गांव में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने एक झोपड़ी नुमा मकान में चल रही शराब की भट्टी को पकड़ा है। वहीं पुलिस ने डोलापुर गांव में भी एक मकान में शराब की भट्टी चला रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है, साथ ही मौके से बरामद हुई लहन को पुलिस ने वहीं नष्ट करा दिया है।